बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने और देखने वाले अजीजों और दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हैं। आज हम दो अहम तीन मौजूद पर गुफ्तगू करेंगे। पहला मौजू जिस पर हम बात करेंगे वो है सर तारिक इस्माइल सागर, जो पाकिस्तान के अहम तीन साफियों में जिनका शुमार होता था। वो कल 15 सितंबर को वफात कर गए। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम दे। आज हम थोड़ा सा उनके बारे में बात करेंगे और फिर शो के बिल्कुल आखिर में हम बात करेंगे पाकिस्तान जर्मनी के ताल्लुकात के बारे में। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगे मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान साहब। आप सीईओ हैं स्ट्रेटजिक एनालिसिस ग्रुप के। पाकिस्तान के अंदर आप बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं स्ट्रेटजिक एनालिसिस के हवाले से, लोगों तक अच्छी खबरें लेके आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से हैं। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। सर बताइएगा, 14 सितंबर को मैं डेट गलत बोल गया, 14 सितंबर को बहुत अहम तीन पाकिस्तान की सहाफत के एक आप समझ लें कि जो रोल उन्होंने प्ले किया पाकिस्तान के अंदर, सर तारिक इस्माइल सागर, उनका इंतकाल हुआ। सर आप तक ये खबर कैसे पहुँची और आप उनके जो साथ इतने साल आप कुछ साल आपने जो काम किया उनके साथ, उनको आप कैसे देख रहे हैं? अच्छा, मेरा तारिक इस्माइल सागर साहब से जो पहली मुलाकात हुई थी वो तकरीबन 2001 या 2 में हुई थी। वो भी हुई थी ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशंस के दफ्तर में। मेरा क्लास फेलो लॉ कॉलेज के अंदर था अरसलान शाह, मैं उसे मिलने के लिए गया हुआ था ज़ियाउल कुरान। तो वहाँ पे उसने मुझे बताया कि तारिक इस्माइल सागर उसके चाचू के पास बैठे हुए हैं, तो अब मिलना है तो आ जाओ। मैं कहा मिल लेते हैं। खैर, उसके चाचा के पास बैठे, थोड़ी सी गपशप लगी, उसके बाद आई गई हो गई बात। मैं इंडस न्यूज़ में, आप जानते हो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट रिसर्च का था, तो उस ज़माने के अंदर क्योंकि हमारा काम ही इंटरनेशनल न्यूज़ को के ऊपर चल, यानी कि प्रोग्रामिंग थी और इंटरनेशनल न्यूज़ को हम देखते थे, डोमेस्टिक न्यूज़ को नहीं देखते थे। तो उस ज़माने में आइडिया आया स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ग्रुप बनाने का, तो मैंने उसमें उसका ब्लॉग बनाए और उसके अलावा जो है यूट्यूब भी बनाई, और आप जानते हो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर तो आप भी शामिल हो। तो मेरा साथी था मेरे डिपार्टमेंट के अंदर सलमान लाली, तो मैंने कहा अच्छे बंदे तू भी ऐड कर। उसने उसमें तारिक इस्माइल साहब को ऐड किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता बातचीत शुरू हो गई। पिछले साल की बात है, तारिक साहब ने इनवाइट किया कि बिलाल साहब आप घर तशरीफ लाइए। मैं कहा सर मैं रहते कहाँ पर, आप उसको बेफिक्र हैं, सलमान के साथ आप आ जाएं। सलमान को मैंने बताया, सलमान के साथ हम उनके घर चले गए। वहाँ पर उन्होंने जिस इज्जत मोहब्बत प्यार से जो है किया, हम पेश आए और मुझे अपने हाथ से अपने सिग्नेचर्स के साथ अपनी दो किताबें दी। मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत हुई, उसके बाद आ गए। आप जानते हो कि ग्रुप में अक्सर मेरी और उनकी लड़ाई होती थी जिसमें आप भी शामिल हो जाते थे। उनका एक खास जो है ना बुजुर्गाना तरीका था, वो बिलाल साहब आप क्या बातें कर रहे हो, या दुनिया में तो ये कुछ हो रहा है, आप इस साइड पर तवज्जो ही नहीं दे रहे। फिर मैंने उसमें जवाब देना और आपने भी दरमियान में कूद पड़ना, आपको याद होगा। आज से चंद दिन, 5-6 दिन पहले एक मौजू पे हमारी बातचीत भी हुई थी। सर के साथ हमेशा कोई ना कोई पॉइंट ऑफ डिसएग्री रहता था हमेशा, और वो बड़े प्यार से समझाते थे कि बेटा ऐसे बात नहीं है, बात ऐसे है। तो उनके एक प्यार से खलूस से सिखाने हमेशा याद रहेगा। अब जितना करियर है साफत का उसके अंदर हमेशा उनको याद रखेंगे। लेकिन सर जरा आप ये बताइएगा कि आपको अक्सर मैं ग्रुप के अंदर देखता था कि वो खान साहब ये आप क्या कर रहे हैं, ये क्या बात कर रहे हैं आप, तो आपके साथ उनकी जो पर्सनल प्राइवेट में फोन कॉल रहती थी, तो उसमें आपने कैसा पाया उन्हें? वो बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाले, शफकत करने वाले। आपको पता है कि पिछले दिनों एक वाकया हुआ, इसमें दो बुजुर्गों की लड़ाई हो गई, तो इन्होंने मुझे फोन किया, तो मेरे भाइयों आप तो बड़खुरदार हो, तो इस तरीके से उनका था। और एक मैं आपको बात बता दूं, जब यहाँ पे गया हुआ था जहाँ पे सिग्नल्स नहीं आते थे, तो अंजुम हैं 24 न्यूज के नदीम अंजुम प्रोड्यूसर हैं, उनका ये कैसे हो सकता है? उसने कहा आपने व्हाट्सएप नहीं देखा? मैं कहा मेरे तो सिग्नल्स ही नहीं आ रहे। तो अंजुम ने मुझे बताया कि जब वक्त न्यूज के अंदर तारिक साहब जब एंकर करते थे, और वो इनका पहला प्रोड्यूसर था जिसने उनके साथ काम किया, और कबायली इलाके में और तालिबान वगैरह के साथ प्रोग्राम्स जो हैं इसने किए। और उसने मुझे बताया कि जहाँ पे जाते थे, चाहे वो इधर के लोग हों उधर के लोग हों, हर जगह पे उस बंदे की इतनी रिस्पेक्ट थी कि लोग उनको इस तरह ट्रीट करते थे जिस तरह कोई उनका बुजुर्ग आ गया हो। और फिर मुझे जो बाद में पता चला कि ये वो बंदा है जिसने इस मुल्क की खातिर जो है दुश्मन मुल्क के अंदर मारें भी खाएं, ये वो बंदा है जिसने अपनी पूरी जिंदगी पाकिस्तान और नजरिया पाकिस्तान के ऊपर जो है लगाई। और आप इनकी किताबें पढ़ लें, कल मैं
उनके एक शागिर्द का पढ़ रहा था, उसने कहा कि अगर किसी को नसीम हिजाजी के बाद बड़ा राइटर कहा जा सकता है तो वो तारिक इस्माइल सागर है, जिसने वही नज़रिया पाकिस्तान, वही नज़रिया इस्लाम जो है आसान करके और तमसीली तरीके से जो नौजवान नस्ल तक पहुंचाने की कोशिश की। मैं समझता हूं कि मैंने बड़ा कुछ सीखा, हालांकि वो मुझे कहते थे बिलाल आप मेरे उस्ताद हो, लेकिन मैं समझता हूं कि उस्ताद उस्ताद होता है। उस बंदे ने एक ऐसी छोटी सी बात करनी, यहाँ पे मुझे जो है क्योंकि वो जज्बाती खून पठान खून है तो फौरन जो है मैं रिएक्ट, लेकिन जब उसके ऊपर तहकीक करनी तो पता चलना कि इन्होंने जो बात की है ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसके ऊपर तवज्जो देनी बड़ी जी मुझे इन चीजों पर, तो मुझे आप जानते कहता था तो इस तरीके से सिखाना जानता था, ये रनमाई करता था, पता ही नहीं होता था कि उसने कितने और कितने एवेन्यूज आपकी सोच, और वो मोहब्बत करने वाला शख्स था, गया उनके घर तो पता चला कि किस तरीके से वो बेसिकली वो ऐसा बंदा था कि हर पाकिस्तानी जो पाकिस्तान का दर्द रखता है उसे मोहब्बत करने वाला बंदा। मैं तो यही कहूंगा कि एक लॉस है और अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी अता फरमाए और लंबी यानी कि उनकी जो मगफरत फरमाए और उनके लिए आसानियां फरमाए और हजूर की शिफात नसीब फरमाए, एक बड़ा लॉस है हमारे लिए। बिल्कुल सर, ये खबर मुझ पर भी एक समझ रहे कि कहर बन की टूटी जब मैंने आपका ही व्हाट्सएप ग्रुप जब चेक किया, स्ट्रेटजिक एनालिसिस ग्रुप मैंने चेक किया, वहाँ पर एक पोस्ट की हुई थी, तो मुझे पहले यकीन नहीं आया, ऐसे लगा कि ये शायद कोई शायद फेक खबर हो, आती रहती ऐसी फेक खबरें तो, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे जब मैंने कुछ टिकट्स मेरे पास आए तो मैंने उनसे कन्फर्म किया, कुछ और चीज़ें मुझे पता चली, तो वाकई ये खबर एक बड़ी अफसोसनाक खबर थी और ये खबर कहर बन के टूटी। मेरी खुद बाज़ाब्ता तौर पे ग्रुप में ही अगर सर बिलाल भी से गवाह होंगे कि कुछ 6 या 7 या 8 दिन पहले ही मेरा उनके साथ जो है कुछ किसी टॉपिक पर बातचीत भी हुई, उन्होंने बड़ी मोहब्बत से चीज़ को समझाया, उन्होंने बड़ी एक खलूस से समझाया, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा कि किसी पर उन्होंने कोई पर्सनल अटैक्स किए हों, किसी पर वो पर्सनली चले गए हों, उन्हें बड़ी कोई आप ये समझ लें कि मोहब्बत से सिखाया। मेरा जितना करियर है साफ़त का उसके अंदर ये मैं उनकी जो एक मोहब्बत है खलूस से समझाने वाली बात है वो मैं हमेशा याद रखूँगा। सर